त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसे मुस्लिम युवक, ज्योतिर्लिंग पर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश, SIT जांच के आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म विज्ञान पर। मैं हूँ कीर्ति राजपूत। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बीते शनिवार को इस्लामिक जिहादियों का एक समूह जबरन घुस गया। मुस्लिम युवकों ने ज्योतिर्लिंग पर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मंदिर में मुस्तैदी से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनके इस प्रयास को असफल कर दिया था, जिसके बाद मंदिर समिति ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के निर्देशानुसार मंदिर में हिंदुओं के अलावा किसी अन्य मजहब मत के लोग नहीं आ सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और करोड़ों लोगों की इस मंदिर में आस्था है। वहीं जब ये घटना हुई तब मंदिर के पास में ही उर्स चल रहा था, जिसमें से आकर कुछ इस्लामिक जिहादियों ने मंदिर में जबरन प्रवेश की कोशिश की। हालांकि इस मामले में एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि मंदिर में प्रवेश कर मुस्लिम युवक त्र्यंबकेश्वर महादेव पर हरी चादर चढ़ाना चाहते थे, जिसे मुस्तैदी से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद मंदिर के आसपास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद पुलिस और मंदिर प्रशासन को हस्तक्षेप कर तनाव को शांत करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर ब्राह्मण महासंघ ने गहन जांच कर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर ब्राह्मण महासंघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में जबरन प्रवेश की छानबीन विशेष जांच दल यानी कि SIT के माध्यम से करवाई जाएगी। ये जांच महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में की जाएगी। SIT पिछले वर्ष भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुए जबरन प्रवेश की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि इस समय त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास स्थिति नियंत्रण में है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।